वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में वजू स्थल पर बने टैंक की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगरपालिका मत्स्य विभाग समेत 26 सदस्यीय टीम ने सफाई का काम पूरा किया। मौके पर वाराणसी के डीएम मौजूद रहे। इस दौरान सीआरपी और पुलिस की तगड़ी सुरक्षा रही। वजू स्थल की सफाई के बाद मछलियों को बाहर निकाला गया। इसमें कई मछलियां मृत पाई गई, जिसे नगर निगम को सौंप दिया गया। वही जिंदा मछलियों को प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम पक्ष को सौंपा गया। इसके बाद पूरे परिसर को फिर से सील कर दिया गया है। संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने संतुष्टि के साथ हस्ताक्षर किया। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने डीएम से मांग की कि टैंक की मछलियां भगवान की हैं, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। हालांकि डीएम ने कहा कि टैंक में मिलने वाली मछलियों पर मुस्लिम पक्ष का दावा है। उनका कहना है कि जो मछलियां जीवित निकलेंगी वह उन्हें सौंपी जाए। पूरी तरह से साफ हो गया है। मछलियां मरी थी और कितनी संख्या में जो मछलियां हैं वो जिंदा लगभग मिली? संख्या बिना ले लगभग 8-10 मछलियां मरी हुई थी, उसको हटा दिया गया और जो बाकी मछलियां उनको मस्जिद के जो मैनेजमेंट को पूरा सील कर दिया। अरे सर, क्या दोनों पक्ष मौजूद रहे? पानी पूरा ड्रेन आउट कर दिया। नहीं, मछलियाँ थी, जो जिंदा मछली थी वो मस्जिद के प्रबंधन को हैंड ओवर कर दिया गया और मरे हुए मछलियों को हटा दिया गया। 17 जनवरी को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएम की देखरेख में वजूखाने की साफ सफाई करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि टैंक में मिली संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि टैंक में मिली संरचना शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। विवाद के चलते मई 2022 से वजू स्थल पर बना टैंक सील है। हाँ, सफाई हो कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं कहना।